पर्यटन क्षेत्र के लिए इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, शाही ट्रेन प्लेस ऑन व्हील्स की 24 फरवरी से शुरुआत होने जा रही है। जी हां, 3 दिन 3 रात और 4 दिन 4 रात के छोटे पैकेज शुरू किए जाएंगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पहले भी इसके संकेत दिए थे। 3 महीने तक संचालन की योजना पर मोहर लग गई है। दर्जन भर टूर संचालित करने की भी योजना तैयार की गई है। 24 फरवरी से इसकी शुरुआत होने जा रही है और फर्स्ट इंडिया ने पहले भी इसके संकेत दे दिए थे। पर्यटन क्षेत्र के लिए इस वक्त की ये बड़ी खबर, शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स की 24 फरवरी से अब शुरुआत हो जाएगी। 3 दिन 3 रात और 4 दिन 4 रात के छोटे पैकेज तैयार किए गए और इसको लेकर फर्स्ट इंडिया ने पहले ही संकेत दे दिए थे। 3 महीने तक संचालन की योजना पर अब आखिरकार मोहर लग चुकी है। दर्जन भर टूर संचालित करने की भी योजना तैयार की गई। तो पर्यटन क्षेत्र के लिए ये बड़ी सुखद खबर है। तीन महीने तक इसके संचालन की योजना पर अब मोहर लग चुकी है। शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स की 24 फरवरी से शुरुआत होने जा रही है और 3 दिन 3 रात और 4 दिन 4 रात के छोटे पैकेज भी तैयार किए गए और 3 महीने तक इसके संचालन की योजना पर मोहर लग चुकी है। और इसी खबर पर मेरे सहयोगी निर्मल तिवारी जुड़ चुके हैं। निर्मल, देखिए, पहले ही फर्स्ट इंडिया ने इसके संकेत दे दिए थे और पर्यटन क्षेत्र के लिए ये बड़ी सुखद खबर होगी कि आखिरकार जिसका सबको इंतजार था उस पर मोहर लग चुकी है। शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स को अब 24 फरवरी से शुरुआत करने की मंजूरी मिल चुकी है। बिल्कुल ज्योति, देखिए कि कोरोना से जो सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर किसी सेक्टर पे पड़ा था तो टूरिज्म सेक्टर था। और बड़ी बात ये थी, जब कोरोना की शुरुआत हुई तो 7 टूर पहले रद्द करने पड़े थे पैलेस ऑन व्हील्स को, और इस साल तो सितंबर में जब सत्र शुरू होना था जो अब तक बंद पड़ा हुआ है। अब 24 फरवरी को, बहुत बड़ी खबर इस मायने में भी कि 24 फरवरी को पैलेस ऑन व्हील्स शुरू होने जा रही है, जिसको देश और दुनिया में हिंदुस्तान और राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर माना जाता है और जो डू बिफोर डाई लिस्ट के अंदर शामिल है। यानी एक ऐसी अद्भुत यात्रा होती है पहियों के ऊपर, जिसको कह सकते हैं कि जिसमें पूरे राजस्थान की मरुधरा के साथ साथ जो गोल्डन ट्रायंगल है जिसमें दिल्ली और आगरा भी शामिल है, उनमें भी जो पर्यटक जो होते हैं वो चलते हुए ट्रेन के अंदर उन सबका दीदार करते हैं, यहाँ की संस्कृति से रूबरू होते हैं। अब 24 फरवरी को ये शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स शुरू होने जा रही है, जो दुनिया की श्रेष्ठ 5 लग्जरी ट्रेन टूरिस्ट ट्रेन में शुमार है। और पूरे दुनिया में जब कहीं भी लग्जरी ट्रेन नहीं चल रही है इस समय टूरिस्ट ट्रेन कोरोना के चक्कर में चलते, तो लेकिन राजस्थान उसकी शुरुआत करने जा रहा है। रेलवे के साथ हमारा 56-44 के अनुपात का जो इसमें राजस्व का बंटवारा होता है वो तमाम चीजें पूरी तय हो चुकी हैं। 3 दिन 3 रात और 4 दिन 4 रात की छोटी आइटनरी बनाई गई है, छोटे टूर पैकेजेस बनाए गए हैं जो 24 फरवरी को शुरू होंगे और अप्रैल तक चलेंगे। उम्मीद ये की जा रही है कि 1 दर्जन टूर संचालित किए जाएं, जिससे न केवल पर्यटन निगम को रेवेन्यू मिले बल्कि एक पर्यटन सेक्टर को एक ऐसी संजीवनी मिले जो पैलेस ऑन व्हील्स के माध्यम से सेक्टर एक बार दोबारा खड़ा हो जाए। तो उम्मीद की जा रही है, कोरोना वैक्सीन भी आ गया, 24 फरवरी से पैलेस ऑन व्हील्स की शुरुआत हो रही है। अब तो देखना ये होगा कि इसमें कितने पर्यटक, जो विदेशी पर्यटक है वो आते हैं, हालांकि फिलहाल डोमेस्टिक टूरिस्ट के ऊपर इसका पूरा फोकस रखा गया है। जो ठीक निर्मल, देखिए एक बड़ी खबर है पर्यटन क्षेत्र के लिए, लेकिन चूंकि देखिए कोरोना काल भी है, अभी तक कोरोना गया नहीं है, वैक्सीन पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई कोरोना के तहत, क्या कुछ इसको लेकर तैयारियां की गई? देखिए, जैसे ही ट्रेन का जो वार्षिक रखरखाव का काम होता है अजमेर वर्कशॉप में वो पूरा हो चुका है, इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो काम होता है वो 22 गोदाम जो जयपुर में यार्ड है रेलवे का उसमें कंप्लीट हो चुका है। अब तो बुकिंग की जा रही है, जितने भी आरटीएस एजेंट्स हैं, जितने भी देश विदेश में एजेंट्स हैं जो पर्यटन निगम से संबंधित है, वो इस ट्रेन के लिए बुकिंग ले रहे हैं। फिलहाल डोमेस्टिक टूरिस्ट पे फोकस है, टैरिफ में भी थोड़ी सी कमी की गई है और उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे 24 फरवरी को शुरू होगी उससे पहले कंप्लीट सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जाएगी, ट्रेन को पूरी तरह से डिसैनिटाइज किया जाएगा, वहां पर तमाम जो भी कोविड-19 की जितनी भी गाइडलाइन है उसका सख्ती से पालना होगी।